हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग JEE एडवांस्ड 2020 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। तो जैसे आपको बता दूं मैं आपको कि JEE एडवांस 2020 का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो चुका है, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है JEE एडवांस रिलेटेड। देखिए, बात आज की नहीं है, बात है अगले कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपके बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स आते हैं, वाइवास होते हैं, आपके इंटर्नशिप्स होती हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, आपके जो हैं आपके कॉलेज में नया ओरिएंटेशन कब होने वाला है, आपके पिकनिक्स कब जाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं गलत करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, एडमिट कार्ड सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। सही तरीके से डाउनलोड करने के लिए आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है JEE एडवांस 2020, और उसके आगे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसे लिखना है, जिसका नाम है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे JEE एडवांस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले यहीं आती हैं। तो इतना ही लिखना है आपको, IAS पेपर लिखना कंपलसरी, इसे सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नया टैब में जाएंगे, ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE एडवांस 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है IAS पेपर। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए था, ये चीज़ मिल चुका है। इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे IAS पेपर लिखा, ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे। मैं जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%। यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE एडवांस्ड एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है, एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो चुकी है, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट AAT यानी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी आ चुका है। तो JEE एडवांस का एडमिट कार्ड 21 सितंबर 2020 यानी आज के दिन आया है, अभी अभी आया है, इसलिए तुरंत मैंने अपलोड किया है। उससे पहले बता दूं आपको कि जो सामने आपकी फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हरियाणा का हूँ तो हरियाणा पर क्लिक करूँ, आप कहीं और के हो सकते हैं, हरियाणा कहाँ के हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा के कैथल का हूँ, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा, अपने ज़िले का नाम या फिर अपने शहर का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ दे सकूँ। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, JEE एडवांस्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए, अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है तो आपके पास तीन चीज़ें हो जाती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। जहाँ पे क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन ये तीनों होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने धैर्य विचार विमर्श आदर्श सौहार्द पुरुषार्थ यथार्थ से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर कोई ऑफर दे रहा है, आपके ऊपर है लेना है या नहीं, तो गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE एडवांस नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स, यानी यहाँ पे क्लिक करना है, एडमिट कार्ड का डिटेल्स मिलेगा। उससे पहले गुड न्यूज़ आपको बता दूँ कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है, जिसमें मानव रचना यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और JEE का, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर एडमिशन लें आज के आज, क्योंकि रीज़न है 500% प्लेसमेंट रेट, मतलब आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जो आपके घर के पास है या नज़दीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे, कॉलेज के नज़दीक वाले बच्चे आएंगे, जो आजू बाजू रहते हैं आपके वही आएंगे, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो सेम रह जाएगा। उन्हीं बच्चों के साथ आप ग्रेजुएशन भी करेंगे जिन बच्चों के साथ आपने 12th किया है, स्टार्टिंग में आपने जो स्टार्टिंग की जो बेसिक एजुकेशन है आपका 12th तक वो किया है, तो नया कैसे मिलेगा आपको कुछ। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पर हमारे देश के हर स्टेट से बच्चे आते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं
उनके साथ बातें करते हैं, रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। यहाँ पे फॉरेन के लड़के लड़कियाँ सब एक साथ आते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, आपके साथ बैठते हैं, फॉरेनर के साथ बातें करते हैं, तो आपको मालूम चलता है आप किस लेवल पर हैं, कहाँ पर पहुँचना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके इंस्टेंटली किसी न किसी एक में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली लेता, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी अरे गहरे कॉलेज में पढ़ेंगे नहीं देते हैं वो लोग प्लेसमेंट, बिलीव में। तो यहाँ पे क्लिक हियर या अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE एडवांस एडमिट कार्ड रिलीज, ओके, डाउनलोड हॉल टिकट हियर, यानी JEE एडवांस का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। 21 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। एडमिट कार्ड पर आपका नाम, आपका एडमिट कार्ड के आपका नाम, आपका JEE एडवांस का रोल नंबर, पेरेंट्स का नाम, गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार नंबर, एड्रेस आपका, फिर लैंग्वेज एग्जामिनेशन पेपर की वेन्यू, एग्जामिनेशन का टाइम, डेट, एड्रेस, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया, जस्ट सिंपली कर इट, अगर नहीं भरे तो इंस्टेंटली भर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। एडमिट कार्ड के साथ आप अपना आईडी प्रूफ भी लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। कोई भी स्टूडेंट बिना आईडी कार्ड के नहीं अलाउ किया जाता है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, या फिर आपका वोटर आईडी अगर आपके पास है तो, या फिर आप अपने कॉलेज का या स्कूल का आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चोरी की है, दूसरे अपने जगहों पर किसी और को भेजते हैं जो एक्सपर्ट है, वो जो उनसे बेहतर है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एग्जैक्टली सारी चीज़ों को ऑथेंटिक तरीके से फॉलो करिए और एग्जामिनेशन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे JEE मेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे रैंक लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, कैसे डाउनलोड करना है एग्जामिनेशन सेंटर, हर एक चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल में जानकारी दी है। तो एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू चेक डाउनलोड एडमिट कार्ड, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, ये देखिए पोर्टल है JEE एडवांस का, इस पर क्लिक किया मैंने। ऑल राइट, मैं जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%, थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा बिकॉज ये प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क का और सर्वर भी थोड़ा धीरे है। यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंटर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे JEE एडवांस का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना, ओके, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ वही लिखना है जो आपने 10th की मार्कशीट के ऊपर ऊपर आपने आपका लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं करनी है, ओके। कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, एक्जैक्टली सेम लिखना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो डी से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, जो भी आप वो डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कैप्चा आता है। कैप्चा मतलब पूछता है कि इसमें से आप इंसान हैं या नहीं, तो आपको बताना है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स कौन सी है, आपके केस में कुछ और होगा। तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट दिख रही हो वो क्लिक कर देखिए, मेरे को एक यहाँ पे ट्रैफिक लाइट दिखिए, यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मोटरसाइकिल पर क्लिक करना है, यहाँ पे मोटरसाइकिल कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है मुझे, फिर भी मैं इन दोनों पर क्लिक करके देखता हूँ। ऑल राइट, इसने मोटरसाइकिल को कार को ले लिया। तो इस तरह से करके लॉग इन पर क्लिक करना है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आते, जस्ट फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है, काफ़ी सिंपल है। और वहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स का यूज़ करना है, यहाँ पे फॉगेट रिट्रीव करना है हमें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे अपना JEE मेन का पेपर ना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए जो भी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक्जैक्टली सेम डालना है, ओके, और फिर सबमिट पे क्लिक करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।